आज हम लोग सी टेट की महामैराथन क्लास में एन सी आर टी के ई बी एस पैडागॉगी अर्थात पर्यावरण के शिक्षण शास्त्र और पर्यावरण को पढ़ेंगे, जो पूरी तरह से एन सी आर टी का निचोड़ है। ये सी टेट के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है, जहां पर मेरा उद्देश्य है कि आपको हर हाल में सी टेट क्वालिफाई कराना। सी टेट एक भाषा और सी टेट एक सोच है, उस सोच के उसके भाषा को डिकोड करना अगर आपको आ गया तो सी टेट में बड़ा से बड़ा स्कोर कर सकते हैं। इसके पहले हमने नोट्स की सीरीज आपको इलेनी विद दुर्गेश पर उपलब्ध करा दिया था, जो ऑनलाइन जुड़े थे, जो नहीं भी जुड़े थे वे सभी लोगों ने पूरी तरह से देख लिया। ये इलेनी विद दुर्गेश पर निःशुल्क क्लास एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है अब की बार सी टेट पर ये महामैराथन क्लास आपके लिए लाइव चल रही है और इसका लाभ आप लीजिएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। अगर आपको वास्तव में सी टेट क्वालिफाई करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों के आधार पर एक बड़ी प्रैक्टिस सेट की सीरीज तैयार की गई है, ताकि आपको ये पता चल सके कि सी टेट के पेपर को हल कैसे करते हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिना देरी के अब हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। ये क्लास बड़ी हो सकती है, 1.5 घंटे 2 घंटे की, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन होने लेना है, अगर आपको सरकारी अध्यापक बनना है, तो सबसे पहली बाधा है सी टेट परीक्षा को उत्तीर्ण करना। तो आप सभी को सी टेट के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग को मुझे लग रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। अगर आप एक पर्यावरण के अध्यापक या अध्यापिका हैं, बच्चों को क्या करते हैं आप, उन्हीं बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कहाँ ले जाने की, चिड़ियाघर, उसमें से क्या अनुमति नहीं देंगे। मैंने तीन विकल्प को अनुमति देंगे, एक विकल्प को अनुमति नहीं देंगे। अगर वीडियो साफ नहीं चल रहा है, तीन डार्ट बिंदु पर जाइएगा, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से HD में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या नहीं करेंगे। पहला, चिड़ियाघर उन्हें देखना, उसको चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग कॉपी ले। देखिए, जब बच्चे को चिड़ियाघर ले जाएंगे तो हमारा उद्देश्य होगा बच्चा उसे देखकर ड्राइंग कॉपी बनाए, मतलब इस बात से स्पष्ट है ये आप करने देंगे। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, जी हाँ ये भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये भी सही है। लेकिन जानवर के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ये नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि उसे कौन सी सामग्री ले जाना है, कौन सा नहीं। क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसा सामान ले जाए जो जानवरों को हानिकारक हो, जो जानवर खाने में बीमार हो जाए, ये बच्चों को नहीं पता है, इसलिए आप मना करेंगे ए। इसलिए इसका ए गलत है, जो वही सही है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, नकारात्मक है। कौन सा प्रश्न है? नकारात्मक विकल्प वाला है। ऐसे प्रश्न सीटेट परीक्षा में आते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों में शेयर करिएगा। पर्यावरण की ऐसी सीरीज आप पूरे जीवन भर याद रखेंगे, जो निःशुल्क आपको इलेनी विद दुर्गेश की तरफ से जौनपुर जनपद से संचालित की जा रही है। अभी अंत तक बने रहिएगा, आपको बड़ी खुशी होगी। अगला है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जौनपुर जनपद से आपके लिए निःशुल्क चल रही है। ये मोबाइल नंबर है, हो सकता है कभी आपको मदद कर सके नोट्स क्लास ऑनलाइन कोई भी व्यवस्था के लिए, CTET UPTET SuperTET KBS। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके आप सभी दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव हमारे साथ देख पा रहे हैं। जी हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहला क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, फोटो दिखाना, लेकिन बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाना, गतिविधि बच्चों को निष्पादित करना, मतलब ए में सारे विकल्प है। ए विकल्प जो है उसमें सारे समाहित हैं। जिसको साफ नहीं दिख रहा हो वो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले, वो क्या करे, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले, एकदम साफ दिखेगा। मतलब ए विकल्प जो है वो कह रहा है बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाना, इन गतिविधियों को क्या करता है, निष्पादित करने का काम करता है। इसलिए क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे।
अगला इसका राइट आंसर है, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आप लोग को दिख रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट का एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज्यादा यूनिक है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा, खासकर आपकी सिलेक्शन को लेकर। तो जल्दी से मेरे प्यारे से चक साथियों फटाफट कमेंट का जवाब दीजिएगा और दिए गए प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं, आप क्या हैं? पहले से ही रेस के घोड़े हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए यहां पर क्या होगा, दिव्या छोटी लड़की है, मीरा समोसे खाती है, कटलेट खाती है, डबल रोटी खाती है, पसंद करती है, इसको खाने से क्या होगी, वो मोटी होगी। वो क्या होगी, ये सब अगर खाएगी तो क्या होगी, मीरा दिव्या मोटी होंगी। जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो मीरा और दिव्या ध्यान दीजिएगा तो कौन सी बीमारी होगी, पहले मोटापा बढ़ेगा, फिर एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से होता है, और ये फास्ट फूड खाएंगी तो मोटे होंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आया, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकते हैं, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकार बच्चों के साथ चर्चा करना, यह आपका विकल्प भी यहां पर सही होगा। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, बीस का राइट आंसर होगा, क्या होगा, बीस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये इसका बी क्या होगा, सही है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी करें। ये फेसबुक पे यूट्यूब पे दोनों पर निःशुल्क आपके लिए लाइव चल रहा है। देखिए यहां पर अगर आपको मानचित्र पढ़ाना है तो अभिभावक योग्यता को बाहर निकालने के लिए संप्रेषण कौशल, कौशल की जानकारी नहीं होनी चाहिए, ड्राइंग पेंटिंग की कुशलता नहीं होनी चाहिए, स्केच और गणनाओं को व्यक्त करने योग्य, देखिए योग्यता योग्यता नहीं होनी चाहिए, इसके लिए स्थान दूरी दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना, मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो बीस का राइट आंसर होगा, बीस प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले रूप प्रश्न की तरफ, अगला है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास आपके लिए राष्ट्रहित में देशहित में चल रही है जिसका उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसमें अपना बेस्ट देंगे और अपना बेहतर देंगे, पूरी एनसीईआरटी है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षकों को क्या लाभ पहुंचाता है। देखिए विषय बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देते हैं, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ठीक, फिर कह रहा है बच्चे के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलता सुधारने में, प्रमाणित करने में, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो ए होगा, क्या होगा, ए विषय, जो पर्यावरण का विषय होगा वो बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना और शिक्षक को लाभ पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करने के बाद आप सब अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें, फेसबुक पे है तो फेसबुक पे शेयर कर दें, अगर ये वीडियो व्हाट्सएप पे लिंक मिला तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर देंगे, कर भला तो हो भला, अच्छे काम करेंगे ईश्वर आपका साथ देगा, कभी भी गलत गोला होते होते भी सही हो जाएगा क्योंकि आप सकारात्मक रहेंगे सब कुछ सकारात्मक होगा, ठीक है। बाहर की दुनिया में जोड़ना ये कौन कहता है, ये एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ना, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना, ये कौन कह रहा है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है कि
यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करके जो भी साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव दीजिए। सभी साथी जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, यहां पर होगा कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सत्ता का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है। ठीक, इसलिए पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह दूसरा या बी होगा। जब भी कोई प्रश्न आपको सीटेट में ना आए तो बड़े उत्तर वाला प्रश्न जो होता है वो प्रायः सही होता है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। यह बात अगर आपको विदित है तो शायद आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका चीजें आपके साथ सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी से, कोई समस्या? चलिए अगला है, निम्नलिखित यार एक बार शेयर कर दीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहां पर नहीं कहा है, नहीं का मतलब नकारात्मक प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। नकारात्मक प्रश्न माने इसमें कौन सा है गलत, जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए यहां पर क्या होगा कि बच्चों को खोजने की क्रिया में अलग तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, यह सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना सही बात है, जिज्ञासा जगाना चाहिए। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना सही है। शब्दावली याद कराना, परिभाषा याद कराना यह गलत है। यह आपने NCF 2005 ध्यान दीजिएगा, यह NCF 2005 मैंने आपसे पहले बताया है, जहां भी याद करने वाली बात आ जाए, रटने वाली बात आ जाए वो सीधा गलत होगा, जो गलत होगा वही सही होगा। क्यों? क्योंकि आपको नकारात्मक प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, आपको हमेशा सकारात्मक प्रश्नों को ही पढ़ना है। क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए हम आगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठा दिखाई देता है। भैंस की पीठ पर अक्सर क्या होता है? बगुला बैठा हुआ दिखाई देता है, तो बताइए क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट लगा दें, बताइए। देखिए भैंस की पीठ पर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बताएं जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया है, इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि आप लोग केवल केवल अपना लाभ देखते हैं। ये एक बात समझिएगा, एक बार अगर आप जो भी साथी आपके जुड़ेंगे प्रश्न का उत्तर का तरीका अगर आपने सीख लिया, यकीन मानिए सीटेट पास होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। वैसे आपकी इच्छा, आप लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, यह आपका व्यक्तिगत इच्छा है। यहाँ पर हमने देखा कि भैंस जो है कि पीठ पर अक्सर बगुला होता है, उसे उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना है, पीठ पर बैठकर गाना पसंद है, घास में पाए कीट खाता है, भैंस के पीठ पर परजीवी कीटों को खाता है। यह आपके कक्षा 4 के NCERT में है, मैंने आपसे पहले बताया था, ये पूरी तरह से NCERT का निचोड़ है। क्या है? ये पूरी तरह से NCERT का निचोड़ है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट ये कक्षा 5 के NCERT में एक नमूना दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? एक नमूना दिखाया गया है। इसके लिए 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प आपको चयन करना होगा और अब आपको ये बताना पड़ेगा कि नमूना दिखाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। जो लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके क्या होगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, आप तो रेस के घोड़े हैं, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके।
चलिए देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा निष्कर्ष पहुंचने के लिए बच्चों की कुशलता का विकास करना, ठीक। फिर कह रहा है बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन कुशलता का विकास करना, बच्चों को रेलवे किराए के बारे में बताना, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न सब्जेक्ट अक्षर ज्ञान कराना। देखिए अक्षर ज्ञान कराना नहीं होगा, यहाँ पर बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, अवलोकन की कुशलता का विकास करना, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह बी इसका राइट आंसर होगा, बीस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बीस का राइट आंसर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन कर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ये ई लर्निंग भी दुर्गेश पर निशुल्क आपको मिलती है, ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित की जा रही है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। ये वीडियो काफी लंबा चलेगा, 2 घंटे से ज्यादा क्लास चलेगी, आप लोग साथ देना है, अंत तक रहना है, क्योंकि आप लोग कई चीजें सीख कर जाएंगे आज। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। याद रखिएगा बच्चे सूचना नहीं देना है, बच्चे सूचना की खुराक नहीं होते। विद्यालय बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, एनसीएफ 2005, ये क्या है, एनसीएफ 2005। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। शब्दावली परिभाषा जहां जाए वो गलत होता है, ये नकारात्मक है, ये नहीं कराना होता बच्चों को। पर्यावरण अध्ययन संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन ये भी नहीं होगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, बच्चे के अनुभव को बाहर की दुनिया से जोड़ना, जोड़कर पढ़ाना, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना होगा। समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत हो गई या कोई समस्या हो गई, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा। चलिए यह ई लर्निंग दुर्गेश तरफ से ऑनलाइन क्लास चलती है, ये जौनपुर जनपद में चलती है, और यह मोबाइल नंबर है, अगर आप जुड़ना चाहें ई लर्निंग दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, यह नंबर नहीं है, ठीक है। दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे 3 गलत है, 1 कथन सही है, उसी को आपको बताना है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े ना रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप सब तो रेस के घोड़े हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव देंगे। क्यों, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। जवाब दीजिएगा अब की बार सीटेड पार, क्योंकि सीटेड पार करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको अपना बेस्ट देना होगा, और वो आप दे रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब आपको देने के लिए कुछ नई चीजें सीखना पड़ेगा, कुछ नई चीजें जानना पड़ेगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा, आइए हम आपको बताते हैं। यहां पर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उनका अनुकरण, अनुकरण माने याद करवाना दोहराना नहीं है। प्रतिदिन विविधता अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता। देखिए ये दत्त कार्य जो कार्य गृह कार्य होता है यह केवल अभ्यास के लिए होता है, मैंने हिंदी शिक्षण में पढ़ाया था, यह केवल अभ्यास के लिए होता है। दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, गलत। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने खुद से खोजने के लिए अपने विचारों का निर्माण करने उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं यह बबात जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वह 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करें, यूट्यूब पर वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर 360 कर ले, 720 कर ले, वीडियो एकदम साफ HD में चलेगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी साथी। देखिए आपके सामने है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं मेरे साथ। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। क्लियर। देखिए
बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर करने, अवलोकन करने, दर्ज करने, कक्षा के अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को निमंत्रित करना, नियंत्रित करना, बच्चों के स्वयं सीखने के योग्य बनाना, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, ठीक है। फिर बच्चे उच्च कक्षा में क्या इसका अनुकरण नहीं करना है, बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, अवलोकन दर्ज करें तो उनका विश्लेषण करने के लिए कहना, यह भी आपको नहीं करना है। मैंने याद करवाना, रटवाना, ऐसा कोई शब्द आ जाए आप उसे तुरंत गलत करिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी होगा। क्या होगा? शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग से निवेदन है, जितने लोग लाइव हैं, अगर आप लोग 10-10 लोग को शेयर करेंगे, यकीन मानिए सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। निःशुल्क कक्षा का सबको लाभ मिलना चाहिए, तो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी क्लासेज होंगी, क्रमवाइज क्रम होंगी, क्रमवार होंगी। अगला प्रश्न आपके बीच है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है, चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है, एनसीईआरटी है, इसका कारण क्या हो सकता है? पूरा एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी थोड़ा सा तेजी से पढ़ा दूंगा। कारण यह है, तेज में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज लंबा क्लास लेना है और 2 घंटे तक। ठीक है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आइए, जलते हुए ईंधन से एलर्जी हो गई है, उसकी झोपड़ी अंदर बाहर प्रदूषण वृद्धावस्था है, ईंधन जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वसन नली में जम जाती है। ये हाई कक्षाओं के लिए है। यहां पर जलते हुए ईंधन उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गई, ये एनसीईआरटी में है। ये कहां पर है? एनसीईआरटी में। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। इस प्रश्न का उत्तर चौथा होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चौथा बताया है, उन सभी को जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आया सब लोग को? ये देखिए, ये उच्च कक्षा के लिए, किसके लिए? उच्च कक्षा के लिए है, लेकिन प्राथमिक कक्षा का जो बच्चा है वो सीखने आया है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं पता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, आपको हमेशा उस बात को गौर करना चाहिए, उस बात को ध्यान देना चाहिए जो बच्चा कर रहा हो। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। न, ये उच्च कक्षा के लिए है और ये प्राथमिक कक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके लिए? प्राथमिक के लिए। प्रैक्टिस सेट में जो दिया वाला है, ठीक। चलिए, प्रश्न का उत्तर ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग सीटेट पढ़ रहे हैं, सीटेट है, मैंने बार बार आपको बताया, सीटेट एक सोच होती है और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर किसी प्रैक्टिस सेट में सी दिया है तो गलत है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर लाइव चल रहा है और इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिख रहा होगा, जहां पर आप जुड़कर निःशुल्क इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य पीडीएफ, थियरी की नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, सभी कुछ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहां पे मैं निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में पढ़ा रहा हूं, फ्री आपके लिए, राष्ट्रहित में, देश हित में। अब यहां पर क्या करेंगे? बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, कर सकते हैं। बच्चों से कहेंगे वो डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा कतई नहीं कहेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करे वो इस बार सीटेट अच्छे अंकों के साथ पार करें। अनलाइक करने वाले जिंदगी भर ऐसे ही करते रहे, क्योंकि वो उसी लायक है। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी, इसका राइट आंसर होगा। सभी क्लास की जानकारी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम पर सभी साथी जुड़े रहें, जहाँ पे SST जूनियर, साइंस मैथ जूनियर, पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, CDP, अन्य सभी क्लासेज जो हैं, संस्कृत, सभी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक विद्यालय राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों
से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे सभी साथी। देखिए भ्रमण पर ले जा रहे, सबसे पहले क्या क्या करेंगे, बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं, उनके प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछे। देखिए घर पहुंचने के बाद नहीं पूछना, ध्यान दीजिएगा, ये सब यहां पर गलत है। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई चीज जहरीली हो, कोई चीज नुकसानदेह हो, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। जी हाँ उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वो डी का राइट आंसर होगा। क्या एक बार इस वीडियो को आप सभी शेयर करेंगे, जो साथी से फेसबुक पे देख रहे हैं या जो साथी से यूट्यूब पे देख रहे हैं, यार आपको पढ़ाने के लिए गला खराब हो जा रहा है लेकिन हम आपके लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हर बच्चे तक पहुंचाना है, हर गरीब बच्चे, हर गरीब माँ बाप के बच्चों का सपना पूरा करना है जिन्होंने 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया है, चाहे BTC किया है, BEd किया है, DLED किया है, सभी तक आप पहुँचाइए, ये आपकी एक बड़ी पहल होगी इस कार्य के लिए। बाकी आपकी इच्छा, आपके दिल में जो है वो करिएगा, मैं अपना काम करूंगा, 2 घंटे तक मैं लगातार पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, आपके माता पिता के सपनों को साकार कराना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 डिब्बा आपको दिख रहा है, एक में केले का छिलका रखा है जो तुरंत डीकम्पोज हो जाएगी, सब्जी का छिलका रखा है जो डीकम्पोज हो जाएगी, सूखी पत्ती डीकम्पोज हो जाएगी, अखबार, ये सभी अपघटित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जैम की बोतल, ये डीकम्पोज स्वतः नष्ट नहीं होगी, सॉस की बोतल नष्ट नहीं होगी, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट ये भी नष्ट नहीं होगी, ट्यूबलाइट के प्लास्टिक खिलौने ये कभी नष्ट नहीं होगी। तो नीचे 2 कूड़ा है, माना एक कूड़ा ए का डब्बा है, एक कूड़ा बी का डब्बा है, तो रीना ने दोनों ढेरों कूड़ा किस आधार पर अलग किया है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में दिया गया है और हम सीटेट को तोड़कर पूरा पढ़ा रहे हैं, ये तब तक चलेगा जब तक ये पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट ना हो, पूरी तरह से NCERT पैटर्न पर है। देखिए यहां पर क्या होगा, घरेलू कचरा इधर कचरा नहीं होगा, ये प्रश्न 3 होगा, अपघटित होने वाला और अपघटित न होने वाला, मतलब इस प्रश्न का जो विकल्प है वो शीर्ष का राइट आंसर है, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाएगा, तो बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे सभी साथी, फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन को बल दिया गया AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुड़ा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग देख रहे हैं। यहां देखिएगा, चिपको आंदोलन को बल मिला सुंदरलाल बहुगुड़ा, अब पिक्को आंदोलन क्या है कमेंट करके बताइएगा, ये वनों कटाव से संबंधित था। आगे है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग बताइए। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, फटाफट कमेंट करें। देखिए विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी उपाचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते, जी नहीं, हिंताजन्य रोगों को बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ठीक, हमारी उपाचय दर बढ़ाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ले जाते हैं, पेशियों का विकास, जी नहीं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। कैसे, ये विटामिन शब्द का खोज पंक महोदय ने किया था, किसने, फंक महोदय ने सबसे पहले कब किया था, 1912 में, कब किया था, 1912 में सबसे पहले किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिंद ताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में
गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को फर्श को लीपा जाता क्यों? बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, ठीक है। सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरूर जवाब दीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए गलत, वो तो कौन सी पेंटिंग है बताइए? वहां की, बिहार की, मधुबनी। कीड़ों से दूर रखने के लिए चिकना साफ क्रिया नहीं, कीड़ों से दूर रखने के लिए, ये एनसीईआरटी का है। ये पूरा उत्तर आपको एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी वालों का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज इलानी बी दुर्गेश से जौनपुर जनपद से संचालित की जा रही है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जरा कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे जो आपके सामने है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कि एक किसान दाने को भूसे से अलग कर रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा क्या होगा, देखते सही उत्तर किसका आता है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, थ्रेशरिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फसलों से दाना और भूसा अलग करना, तो ये प्रश्न आपका गलत। निष्पावन क्या होता है? दानों से भूसा अलग करना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर चौथा कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग को लगे गलत है। जब फसल जैसे गेहूं अगर आता है तो पहले उसे क्या होती है? गेहूं आने के बाद थ्रेसरिंग से, लेकिन थ्रेसरिंग के बाद आपने देखा होगा एक पंखा लगाया जाता है, पंखा से, और यहां से किसान क्या करता है, दाने को गिराता है तो कुछ दूर पे भूसे उड़कर जाते हैं और यहां पे क्या होता है, धान का एक ढेर लग जाता है। इसे कहते हैं निष्पावन। इसे क्या कहते हैं? निष्पावन के नाम से जानते हैं। निष्पावन में क्या होता है? दानों से भूसा अलग किया जाता है। थ्रेसरिंग में फसल से दाना और भूसा अलग किया जाता है। ये दोनों लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर प्रश्न में दाना से भूसा अलग करने की बात कर रही है, फसलों से दाना और भूसा नहीं। दोनों ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो कभी गलती मत करिएगा। निष्पावन होगा, थ्रेसरिंग नहीं होगा, ठीक है। इसे ही ओसाना कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ओसाना कहते हैं। इसे ओसाना कहते हैं, जी हाँ, समझ में आया, इसे ओसाना कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन लेना है, इस बार सीटेट पार करना है हर हाल में, ठीक। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर सकता। अगला ध्यान दीजिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये जौनपुर जनपद की सिराजेन से क्लास आपके लिए लाइव चलती है, ठीक, तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी निःशुल्क है आपका। देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। नहीं है माने नकारात्मक प्रश्न। कैसा प्रश्न है? नकारात्मक। यह एक प्रकार का नकारात्मक प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिए क्या होगा। देखिए, जवाब सब दिया करिए, चाहे गलत हो चाहे सही। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न का जवाब क्या होगा, सभी लोग को जवाब देना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। देखिए, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये गणित में सही बात है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंता शक्ति का विकास करना, ये भी सही है।
सृजनात्मक योग्यता उत्सुकता का विकास, ये भी सही है। बच्चों के मस्तिष्क भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का लाभ उठाने देना, यही आपका गलत है। बच्चों को भ्रमित नहीं करना है, अर्थात जो गलत है वही सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए लगाया है, इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पुरुष है, ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष है जिसका रक्त ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है। जब इनसे बच्चा होगा तो क्या होगा? इनसे 50% ये 50% यहाँ पे, तो ओ होने की संभावना क्या होगी? 50%। ठीक है, ये क्या होगी? 50%। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। टूटता तारा क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि टूटता हुआ तारा क्या है। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, अब तो रेस के घोड़े हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए, टूटता तारा क्या होती है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के पास से यदि कोई भी उल्का पिंड जाता है तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है खींच लेती है, लेकिन जैसे ही ये मध्यमंडल में पहुंचता है, कहां पहुंचता है? मध्यमंडल में। मध्यमंडल जहां पे हमारे सौरमंडल, हमारे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर होता है, यहां पे जल जाता है, और जल जाने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा कहते हैं, और लोग यहां पे मन्नतें मांगते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक है, क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वथन उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर या फेसबुक पर इलेनी विद दुर्गेश पर, जहां भी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर कुछ नहीं करना है, दुर्गेश सर सर्च करना है, जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, और इलर्निंग विद दुर्गेश पर ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आप सभी को पीडीएफ नोट्स, लिंक, सभी चीज़ें आपको फ्री निःशुल्क मिल जाएंगी। जूनियर की, प्राइमरी की सभी क्लासेज आपको। बताइए, क्वथन माने उबलना, वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है? देखिएगा, यहां पर वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन जो होता है वह केवल 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, या 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जिसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तीन दाढ़ बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी 720p कर सकता है, या 360p करके देख सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव निःशुल्क इलर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हो सके तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। सभी साथी मित्रों तक पहुँचाने का काम आपका है, मेरा नहीं। बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान से देखना है। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। छोटे बच्चे उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत, ये जहां अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण की बात ही नहीं करना है। फिर शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और भावों के साथ बांटना, जी हाँ ये सही है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, जी नहीं। ध्यान रहे, उन्हें परीक्षा नहीं कराना है, प्रशस्ति पत्र के आधार पर, इनका कोई आधार नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को आपको परीक्षा में गलती नहीं करना। अगर आप गलती करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं, इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए क्या होगा। देखिए नींबू और पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि, यह प्रश्न अभी आगे भी मिलेगा, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है, इसलिए मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूबकर नहीं मरता। क्या होता है, कोई भी डूबकर नहीं मरता। ठीक है, समझ आप लोग को, कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग को यहां से नहीं है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जाते हैं क्यों, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इन लर्निंग विद दुर्गेश पर। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, नहीं बताएंगे क्या आप लोग यार। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में तो कम तापमान भोजन का नमी तत्व तो घट जाता है। रेफ्रिजरेटर कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ये वीडियो आपको हमेशा रहेगा, जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो केवल सिलेक्शन के लिए है। अब की बार सीटेड पार मैराथन क्लास में संपूर्ण सीटेड ईबीएस हम लोग पढ़ लेंगे एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर प्रत्येक ईयर का एक साथ। रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे जहां से देख रहे हैं। जरा बताइए आप लोग किन किन जिलों से देख रहे हैं इस वीडियो को या कौन कौन से प्रदेश से। ये जौनपुर जनपद से लाइव क्लास चल रही है निःशुल्क आपके लिए। देखिए रक्त जांच जिसकी उपस्थिति मलेरिया की पहचान होगी, तो यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर होगा लाल रक्त कोशिका में मलेरिया के जो परजीवी है प्लाजोडियम। जब प्रश्न कोई बड़ा उत्तर हो अब उसको लगा दिया करें जहां पर उत्तर आपको न पता हो। यह भी आप एक ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि यह ट्रिक आपको हमेशा सीटेट में काम देगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को नष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथनों का प्रयोग करना चाहिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत अलग अलग जनपदों से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे अपने जिले में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि इसके बाद सीटेट जूनियर प्राइमरी सभी आपको मिलता रहेगा, एसएसटी साइंस सभी कक्षाएं निशुल्क आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग बहुत अच्छा लगा आप लोग जिन जिलों से, अपने जिलों की एक एक खासियत बताइए जहां से जो है। देखिए पर्यावरण अध्ययन कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने की कविताओं कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, बच्चों में विद्यमान भाषिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंदमय रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने में, ये जी हाँ बच्चे कल्पना करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है जब हम कहानी सुनाना शुरू करते हैं कविता सुनाना शुरू करते हैं तो बच्चा क्या होता है सबसे पहले, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सबसे पहले जो बच्चा है कल्पनाओं में खो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो डी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जहां से भी देख रहे हैं वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा। उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, ईबीएस पेडागोजी की सीरीज है जिसका एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग सिलेक्शन के लिए लगातार मेहनत करेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे।
चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, कर भला तो हो भला, क्योंकि आपको सीटेट पास होने से कोई माई कलाल रोक नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने मेरी सारी क्लास पढ़ ली होगी जो निःशुल्क मिल रहा है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि समीर जो है ये कक्षा 5 में अक्सर क्या होता है, समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अरे वाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, जीएस कितना बढ़िया तैयार हो रहा होगा आप अपने जिले के नाम बता बताकर। ठीक है चलिए मैं बाद में बात करता हूं आप सभी के नाम लास्ट में, पहले पढ़ लेते हैं यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा कि इस बात के विषय में प्रधानाचार्य सूचित करना, जी नहीं यहाँ पे नहीं पूछा है। जैसे कक्षा 5 का कोई लड़का है पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता तो उसकी शिकायत नहीं करेंगे, उसे खेल कूद से रोकेंगे, जी नहीं। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक को एक नोट लिखेंगे, जी नहीं। उसकी अनियमितता के कारण का पता लगाएंगे और उसको समीर को परामर्श देंगे, बेटा ऐसा क्यों गलती कर रहे हो, जैसे मैं आपको कहता हूँ शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एक बार अगर मेहनत से पढ़ लेंगे इस बार सीटेट पार हो जाएंगे, और ये मैराथन क्लास आपके लिए मास्टर वीडियो है। तो यहां पर हमने ये देखा कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना इसका सबसे बड़ा कारण होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा सी राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है स्क्रीन शॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीके का परिग्रहण करती है। जी हाँ, अच्छा जयपुर से भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, जहां से देख रहे हैं जिस जिले से देख रहे हैं मैं आपके जिले में पहुंच जाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। कि कटोरी में रखती कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसे ठंडा पानी है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती हैं, उसे धूप में खुला छोड़ देती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अंधेरे में रख देती हैं, निम्नलिखित में से बी के लिए, बी माने ये उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, किस खाद्य की तरफ संकेत करता है, माने वो बी के विकल्प, विकल्प बी के लिए क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अच्छा, बुद्ध की नगरी, इत्र की नगरी, कानपुर नगरी, जौनपुर नगरी, कन्नौज नगरी, बलिया, बिहार, जयपुर। देखिए धनिया, हरा धनिया, अगर हरा धनिया को हम लोग क्या करेंगे गीले कपड़े में लपेट देंगे तो उसे हम ताजा रख सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा, हरा धनिया। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस वीडियो को अपने सभी जिलों में शेयर करिएगा। जी हाँ, बागी, बलिया, उत्तर प्रदेश, मैनीपुरी, एटा, चलिए पीलीभीत। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा, कक्षा 5 के विद्यार्थी घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे कई तरीकों से उपयोगी है, इसके द्वारा किया गया निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? यह नकारात्मक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? नकारात्मक प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसका सही विकल्प क्या होगा, जो गलत है वही सही है। फरुखाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर, मऊ, बलिया, पीलीभीत, आजमगढ़, कमेंट करते रहिए। आगरा, जी हाँ, जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे कमेंट करते रहें। अच्छा, उत्तर प्रदेश, हरदोई, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग का इस वीडियो को, आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पेन की जो नोक होती है, पेन का चलना ये घर्षण के कारण होता है, जिस कारण हम लिख पाते हैं, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ तो घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण। हमारे जूते जमीन के बीच घर्षण के कारण, ये भी सही, ये भी सही है। ब्रेक लगाने वाहन को रुकना, ये आपका गलत है। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए नीचे आ जाए। बाराबंकी, संभल, बरिया, जालौन, गाजीपुर, लखीमपुर, फरुखाबाद, दिल्ली, चलिए ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एटा, सुल्तानपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शेयर करते रहिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक, जिलों तक, अपने ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। महराजगंज, जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो वीडियो को 3 डॉट विंडो को बढ़ाकर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकता है, जैसे वीडियो आपको पूरी तरह से HD क्वालिटी में मिलना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है, यह तथ्य क्या व्याख्या करती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यदि किसी भी वस्तु को किसी भी जल में पूर्ण या आंशिक रूप से यदि डुबोया जाता है, उसके द्वारा हटाया गया भार यदि वस्तु के भार से कम है
तो वस्तु डूब जाएगी, अगर वस्तु का भार ज्यादा तो डूब जाएगी, अगर वस्तु का भार कम है तो तैरेगी, बराबर है तो मध्य में तैरेगी। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अच्छा, झारखंड, प्रयागराज, कन्नौज, गोंडा, जी हां, इस प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। बहुत ही अच्छा लगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा, जबकि लोहे कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में, देखिए भार की तुलना में अगर ज्यादा होगा, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होगा। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न में उत्तर क्या है कि स्टील कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, भार उसका ज्यादा है, मतलब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु से ज्यादा है, इसलिए वस्तु क्या होगी, बीच में तैरेगी, अगर कम होता तो डूब जाती, इसलिए प्रश्न का उत्तर बी होगा, सी नहीं होगा। जब कोई वस्तु डूबो ही जाएगी, उसके द्वारा हटाया गया जल अगर ये ज्यादा है, हटाया गया जल ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, लेकिन अगर ये वस्तु भारी हो गई तो डूब जाएगी। ये बात आप जानते रहिएगा। अच्छा, ससुराल पीलीभीत तक सहारनपुर से पढ़ रहे हैं, थैंक यू आपका। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा। मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हूं। अगला प्रश्न आपके बीच है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित होगी? सभी लोग फटाफट कॉमेंट करके बताइए। साइंस भी चलेगी, चंद्रमा पांडे नगरी, अच्छा ठीक है, बुद्ध नगरी, चंद्रप्रभा, अच्छा, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, बाकी जूनियर की क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। इसकी अन्य क्लासेज जो हैं वो स्टडी विद दुर्गेश सर दूसरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। ध्यान से देखिएगा, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह से छकाव प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा उचित कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा उचित कौन सा है। देखिए यहां पर बताना है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, जी नहीं, वृत्त चित्र दिखाना, यह भी थोड़ा तक सही है, विद्यार्थियों से कहना कि वह दीपावली से पहले बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, ठीक है, फिर विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन, तो सस्वर शब्दावली यह गलत हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त चित्र दिखाना, क्या करना बच्चों को, एकदम ध्यान रखना कि वृत्त चित्र दिखाना, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे वायु के नमूने इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए कुछ लोग तीसरा बता रहे हैं, सी इसलिए नहीं होगा कि बच्चों से अगर आप कहते हैं कि जाएं वो वायु के नमूने इकट्ठा करके आए तो उनको इससे दिक्कत होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है आपका बाल केंद्रीय हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये बाल केंद्रीय हो जाएगा, और आपको बाल केंद्र शिक्षा पढ़ाना है, और यहां पे जो होगा वो क्या होगा, ये उच्च कक्षा के लिए है। किसके लिए? ये उच्च कक्षा के लिए है। एनसीएफ 2005 कहता है बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है, इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, वो आपका 20 का राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, सी वाले ध्यान दीजिएगा, अगर उसके गुणवत्ता के निष्कर्ष नहीं निकालेगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षा का बच्चा इतना योग्य नहीं होगा, प्राथमिक कक्षा का बच्चा 1 से 5 के योग्य नहीं होगा एनसीएफ 2005 के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी होगा, सी नहीं होगा, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को अनेक चैनलों पर देख रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट में देख रहे होंगे, ये बात भली भांति जान ले, हमें एनसीएफ 2005 और एनसीईआरटी के ही आधार पर चलना होता है, और हम एनसीईआरटी के आधार पर ही पढ़ाते हैं, ठीक। अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती हैं जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो जल्दी से बताइए। आप लोग यार शेयर करिए वीडियो को, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइए, यह आपका काम है। जौनपुर में आप टीडी काले गेट के पास, अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में, जौनपुर में टीडी काले गेट के पास, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जबकि बच्चा निम्नलिखित में से व्यवहार प्रदर्शित करती है। तनावग्रस्त बच्चा क्या करना है, अति सक्रियता, बहुत बात करता, पढ़ाई नहीं, आक्रामक व्यवहार से, उसके आक्रामक व्यवहार से पता कर सकते हैं वो बच्चा तनाव में है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, ए उसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ लोगों तक पहुँचाइए। संगम नगरी, चलिए बहुत अच्छा लगा। अगला आपके सामने है, अभिभावक शिक्षक के अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जौनपुर की मक्का और मूली बड़ी प्रसिद्ध है, मक्का और मूली, साथ ही बेनी की इमरती, आपके यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये हमारी जौनपुर जिले की प्रसिद्ध है, मुझे गर्व है और आपको भी अपने जिले का गर्व होने चाहिए। जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करें, इसको 360p पर कर ले वीडियो क्वालिटी, या 720p क्वालिटी कर ले वीडियो की, एकदम HD में चलेगा। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे के कमियों को उजागर करना, यहां पर क्या होगा? देखिए, अभिभावक शिक्षक के अंतः क्रियाओं उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो लोग जरा कमेंट करके बताएं कि पुनर्बलन सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, यहां पर हमें बच्चों के अभिभावक से जो बात करेंगे, बच्चे की कमजोरी क्या है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उनको क्या पुनर्बलन दिया जाएगा, यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा, आप लोग अपने अपने जिलों का फीडबैक दे रहे, सोचिए आपके साथी मित्र कितना कुछ सीखेंगे आज। ठीक है, सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध की धरती, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किस माध्यम का अपना उपयोग करें? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंधी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिद्धार्थ हिंद से निःशुल्क आपके लिए मेरे द्वारा चलाई जाती है। इन सभी का लिंक टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। सीटेट पार करना है, प्रतिदिन आपकी क्लासेज सुबह शाम के 5 बजे से लेकर रात्र के 11 बजे तक फ्री चल रही हैं, केवल आपको हर हाल में सीटेट पार कराने के लिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, यहां पर सुरक्षित सीमा के व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करें, या आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था करें, जैसे बस का उपयोग करें, एक बस में ढेर सारे लोग होंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग इससे बच सके। लखीमपुर खीरी, अच्छा आगे बढ़ने अगले प्रश्न की तरफ। अभी आपका जूनियर प्राइमरी SST सभी क्लासेस चलेंगी, एक और यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वायु हर जगह है, इस प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में से प्रश्न पूछता है, क्या क्या पूछता है? पहला, क्या पूछता है? पहला, क्या मृदा में वायु है? पता नहीं। दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं आप लोग से चर्चा करता रहूंगा, बातें करता रहूंगा, लेकिन अब की बार सीटेट पार। आपके माँ बाप का आशीर्वाद रहा, आपकी मेहनत रही, इस बार आपको सीटेट से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, निःशुल्क प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, सभी लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर साइंस सभी चीजें उपलब्ध है आपको वहां पे, जो नहीं होंगी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब लर्निंग विद दुर्गेश। जवाब दीजिएगा, देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग दिमाग लगाइए, देखिए यहां पर क्या होगा। अब बच्चा क्या करेगा? मृदा में क्या होता है? वायु होती है। बच्चा सोचेगा, क्या करेगा? बच्चा सोचेगा। क्या पानी में वायु होती है? बच्चा क्या करेगा? सोचेगा। क्या हमारे शरीर में वायु होती है? बच्चा क्या करेगा? सोचेगा। क्या हमारी हड्डी में वायु होती है? बच्चा क्या करेगा? सोचेगा। मतलब उसके अंदर
चिंतन कौशल का विकास होता है। आइए हम चारों व्याख्या करते हैं, चारों विकल्प हम व्याख्या करते हैं। जैसे आपको, जैसे अगर आपको जैसे सुपर टेट पढ़ना हुआ, जैसे आपको सुपर टेट पढ़ना हुआ, अब आपने क्या किया, सबसे पहले सभी कोचिंगों के बारे में देख लिया। जब आपने सभी कोचिंगों के बारे में देखा तो आपने क्या किया, आपने देखा कि सब जगह ऐसे तथ्य पढ़ाते हैं, केवल छपवाया जाता है, केवल रटवाया जाता है। तो आपने क्या किया, वर्गीकरण किया कि कौन रटवाता है, कौन लिखवाता है, कहाँ सिलेक्शन ज़्यादा है, कहाँ का अभ्यर्थी बेहतर है। आपने क्या किया, वर्गीकरण किया, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर आपने क्या किया, संवेगात्मक कौशल। अब आपने क्या किया, अपने संवेग का प्रयोग किया, आपने देखा किसने बेहतर रिजल्ट दिया है। तो आपने देखा इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स से हुबहू प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं, हुबहू प्रश्न आपके सुपर टेट में आते हैं, यूपी टेट में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हुबहू पूछे जाते हैं। तो आपने फिर क्या किया, इसका अवलोकन किया, आपने इलर्निंग विद दुर्गेश की प्राइम नोट्स देखा। उसको नोट्स देखने के बाद आपने क्या किया, पुराने पेपर आपने देखा, यार हुबहू प्रश्न ऐसे होते हैं जो 25 से 30 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार आपने अवलोकन किया। अब आपने चिंतन किया, यार मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, कहां पे मैं जुड़ूं। तब आपके मन में दिमाग आया, यार इलर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर वाला तो बेस्ट है, इसलिए यह आपका चिंतन कौशल होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ये निशुल्क क्लास आपके लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए मैं आगे बता रहा हूं, एकदम आसान है यार, इससे सरल तो पूछा ही नहीं जा सकता। अब देखिए, अच्छी तरह से धोकर फिर काटना चाहिए ना, क्या करना चाहिए, धोकर काटना, काट कर तब धोना, इसका ए होगा, पहले धो लेना चाहिए सब्जी को तब काटना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि पर्यावरण ईबीएस में वायु प्रकरण पढ़ाते समय, आपके सामने सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, एकदम आराम से एग्जाम्पल दूंगा, यकीन मानिए आपको सारी चीजें। ठीक है, ये पकाने से पहले क्या होगा, पहले सब्जी को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, फिर काटना चाहिए, फिर अच्छे से पकाना चाहिए ना। जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में आपको अपना बेस्ट देना है ना, आपको अपना बेहतर तो देना ही है ना। तो जब बेहतर देना है तो आपको कुछ अच्छा तो करना ही होगा। चलिए देखिए, शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, उसके सहयोगी सुदेश को कैसे करेंगी। जैसे देखिए, अगर वायु में भार होता है, हम क्या करते हैं, दो गुब्बारे लेते हैं, उन दोनों गुब्बारों को क्या करते हैं, फुला देते हैं, समान फुलाते हैं तो तराजू की तरह बराबर हो जाता है। अब बच्चों से कहते हैं इसमें क्या करिए, एक में सुई डाल दीजिए, जब सुई भोंक देते हैं ये क्या होती है, ये धीरे से छोटी हो जाती है। ये किस तरह से हो जाती है, ये देखिए, ये गुब्बारा ऐसे होता है और ये गुब्बारा ऐसे लटक जाता है। कहते हैं सर वायु में भार है, या बच्चे को हथेली पर फूकने के लिए कहते हैं, जब बच्चा हथेली को फूकता है तो तेजी से गुब्बारा फूलता है। ध्यान दीजिएगा, तेजी से गुब्बारा फूलता है, इसलिए कहते हैं कि वायु में क्या होता है, भार होता है। क्या होता है वायु में, क्या कहते हैं, वायु में क्या होता है, भार होता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। मैंने खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे, उसे नीचे ढकेले, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, दो भरे हुए गुब्बारे के क्षण से बांधे तथा साम्य अवस्था में ले आए, किसी भी एक गुब्बारे को फोड़ दे, इसमें क्या होगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, खाली बीकर में पानी सतह के ऊपर रखे, उसे नीचे की तरफ ढकेल दे, तो क्या होगा बताइए। ठीक है, तब क्या होगा, उसमें पानी नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पे एक टब ले, इसमें पानी डाल दे, अब इसमें ग्लास ले,
इस ग्लास में आप कपड़ा डाल दें, इस ग्लास को अंदर डालें तो कपड़ा नहीं भीगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? नहीं आ रहा है तो यहां पे देखेंगे इससे क्या होगा कि वायु में क्या होता है, यदि बीकर को थोड़ा झुका दिया जाए तो उसमें वायु के बुलबुले बाहर आते दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है बीकर को ऊपर थोड़ा सा ग्लास निकालेंगे तो वायु के बुलबुले बाहर आते हैं, तो इसे सिद्ध होता है वायु क्या होती है, जगह घेरती है, वायु में भार होता है और वह क्या करती है, जगह घेरती है। फिर दूसरा, दो गुब्बारे को छड़ से बांध दिया जाए तो वो क्या होता है, फिर उसमें देखेगा कि एक फोड़ने पर यहां पर क्या होगी, एक और चार, जिनको साफ नहीं देख रहा वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है, वो क्या करेंगे इन दोनों को यहां पर तीन डॉट विंडो को क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है, समझ में आया? बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं। वह यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वास लेने श्वसन के बीच अंतर नहीं समझ पाते, ये किसके कारण होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और अब तो रेस के घोड़े हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान की शिक्षिका है, श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है, और ये देखते हैं कि अधिकांश बच्चे जो हैं श्वसन और सांस लेने का अंतर नहीं समझ पाते, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है शिक्षिका प्रायः अनुशासनहीनता करती। जी नहीं, याद रहे आपकी जो कक्षा होती है अनुशासनहीन होनी चाहिए। देखिए जिसको वीडियो साफ नहीं देख रहा अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, यहां से सब कुछ साफ चल रहा है, ठीक, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वरना आपकी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाए, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ए होगा, क्योंकि वह अपनी संकल्पना को व्याख्या नहीं कर पाई, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षिका को प्रकरण के दौरान जो एक्सप्लेन करना चाहिए उन्होंने नहीं किया, उदाहरण सही से नहीं दिया, टीएलएम का प्रयोग नहीं किया, इस प्रकार सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने का क्या तरीका होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग बताइए, देखिए एक एक करके मैं लिख रहा हूं। पहले अवसादन, अवसादन, अवसादन मैंने आपको पता है नीचे बैठना, नीचे बैठना माने भारी तत्व जो नीचे बैठ जाएंगे। निस्तारण, निस्तारण का मतलब हिलाए जल को उड़ेलने की क्रिया करना, माने मिश्रित जल को, मिश्रित जल को बाहर गिराना माने बीकर से। फिर निस्यंदन क्या होता है, निस्यंदन का मतलब क्या होता है, छानना या फिल्टर, ये क्या होता है फिल्टर। फिर होता है वाष्पन, क्या होता है वाष्पन माने जल का गैसी रूप में बदलना, जल का गैसी रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल का गैस में बदलना, ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी या चौथा इस प्रश्न का सही जवाब। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, औषधन, फिर निस्तारण, निस्तारण, फिर बाद में वाष्पन कर देंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके बीच। रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से
लाए पानी में फिटकरी डालती हैं, क्यों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चाहे गलत या सही, क्योंकि समझ लिए परीक्षा हाल में बैठे हैं। पानी को रंगित करने के लिए नहीं, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए बताइए, कठोर जल को मृदुजल में परिवर्तित करने के लिए, पानी मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, बताइए सभी लोग, ये परीक्षा हाल में है, ये क्या होगा? बी, दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रतिदिन क्लास आपकी लाइव चलती रहेगी, इसलिए सभी लोग से निवेदन है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि सभी क्लास की लिंक पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाए। परीक्षा से पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम को खत्म करना है, ताकि आप सब रिजल्ट दे और अगली शिक्षक भर्ती की तैयारी आप पूरे मनोयोग के साथ करें। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती, इस उद्देश्य को लिए उन्हें कौन सा आहार लेना पड़ता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का आप सभी जवाब देंगे, जो भी साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी आप लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, नहीं बताएंगे हम तो कहते हैं आप लोग को गलत या सही जवाब जरूर देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है आपसे। देखिए उसमें प्रोटीन हमारे मसल्स का निर्माण करते हैं, जो चीजें प्रोटीन देते हैं हमें वो जमीन से सबसे ज्यादा क्या लेते हैं पता है? नाइट्रोजन लेते हैं, और जो पेड़ पौधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते जमीन से उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक। किड़बच्ची पौधा कहते हैं, कौन सा? किड़बच्ची, ये खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगला आपके सामने है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी में कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं, क्या कल की क्लास में आप लोग लाइव रहेंगे? देखिए प्राइमरी की जो क्लास होती है शाम के 5 से रात के 11 तक निःशुल्क चलती है, ठीक है, ये 1 to 5 है। बाकी इसमें भी मॉर्निंग में भी और अन्य एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, जहाँ पे इसकी CDP की क्लासेज, जूनियर की क्लासेज आपको निःशुल्क वहाँ पे लाइव उपलब्ध होती है, तो उस चैनल पर भी जुड़े रहिएगा, ठीक। इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर वहाँ आपको मिल जाएगा, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश है। यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करेंगे नहीं, सैंपल पर खाद श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी कहेंगे, देखकर लिखने के लिए नहीं कहेंगे, जीवों का प्ले कार्ड बनाएंगे, जैसे कोई कीड़ बनेगा, कोई मेढक बनेगा, कोई सांप, कोई चील, उनके समूह को खाद श्रृंखलाओं सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने की बात कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? अगला है आपके सामने, मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। पानी को साफ करने के लिए नहीं, जलीय पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए नहीं, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, क्या होगा? सी होगा, ठीक है, क्या होगा? सी होगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को? नहीं, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अंजलि की जो सहेली है, अंजलि की सहेली उसके दांतों में 6 से बचने के लिए 4 तरीके बताती है, तो उपरोक्त तरीकों में से
किसका अनुपालन करना चाहिए, ताट तरीका है, इस तरीका में बताना है आपको कौन से तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पे आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन में दो बार ब्रश करें, एनिमल ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, इसका कोई काम नहीं है। दिन में दो बार ब्रश करें सही बात है, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले सही बात, हर खाने के बाद गड़ाया करें, इसे कुल्ला करना कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना जी, ये है, इसलिए दूसरा इसका नहीं होगा। ये दांत बाहर आता है उसके लिए पहना जाता है, तीन चार एक, एक तीन चार दो नहीं होगा, समझ में आप लोग को भी, दो बार जैसे आप दांत खराब नहीं हो वही बचाना है, तो क्या क्या काम करेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे एक निवेदन है कि जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप सभी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जैसे शेयर करेंगे मेरी मेहनत का प्रतिफल मुझे मिल जाएगा, ये निःशुल्क क्लास का पूरा उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा, बस आपका धन्यवाद। यार गला बैठ गया, समझ हिम्मत नहीं कर रही पढ़ाने की, आवाज़ बैठ रही है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया गोला और सभी को अलग अलग बताया है और आपको बताना है, बीच में यहाँ पे यक्ष रखा है, ये यक्ष क्या है कमेंट करके बताना है आपको, सभी लोग को बताना है यक्ष में कौन सा जंतु रखें, यहाँ पे यक्ष में कौन सा जंतु रखा जाए, यहाँ पे यक्ष में कौन सा जंतु रखा जाए बताइए। अगर हम वहाँ पे मछली रखेंगे तो मछली क्या होती है, जमीन पर नहीं रहती, ये तीनों की बात कर रहे हैं, इसलिए मतलब ये गलत है। सार्क केवल पानी में रहता है, ये भी गलत हो गया, ये जमीन पे नहीं देता, अंडा देता है पानी में रहता है। सर्पिन ये भी अंडा देता है यहाँ पे रहता है लेकिन जमीन पर नहीं रहता। मगरमच्छ क्या है, जमीन पर भी रहता है पानी में भी रहता है अंडा भी देता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, तीनों में। इसलिए तीनों में क्या है, जो तीनों काम कर रहा है वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ पानी में भी रहता है जमीन पर भी चलता है अंडा भी देता है, समझ में आप लोग को। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, जीव प्रक्रियाओं का कौन सहयोग पेड़ पौधों जीव जंतु दोनों मिलता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। ऑनलाइन क्लास से नोट से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस आदि क्लास और नोट संबंधित मेरे द्वारा पूरी तरह से क्लास आपकी निःशुल्क चलती है राष्ट्रहित और देशहित में। इसके अलावा यदि आपको डेली क्लास के लिंक या पीडीएफ आपको चाहिए या प्रैक्टिस सेट, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद, मेरी भी इंस्टाग्राम है दुर्गेश सर के नाम से, वहाँ भी जुड़ सकते हैं आप। और एक और चैनल है जिस पर अन्य क्लासेस सीटेट मिलेंगे, स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा सकते हैं। अगर आपको अन्य क्लासेज भी और पढ़नी है, पूरा निःशुल्क क्लास आपके लिए चलता है जौनपुर जनपद से, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और मैं स्वयं तीन टाइम सीटेट क्वालिफाई हूँ, मैं तीन बार दिया ही हूँ, ये चौथी बार मेरे लिए है, और मैं चाहूंगा कि इस बार भी मैं आपके साथ अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करूं और आप भी उत्तीर्ण करें। यह प्रतिदिन शाम 5 से लेकर रात के 9 बजे तक निःशुल्क क्लास चल रही है, उसके अलावा भी क्लासेज आपकी है जिसका लिंक टेलीग्राम पर मिलता जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वृद्धि और भोजन बनाना। तो जीवन प्रक्रिया का कौन सा पेड़ पौधे जीव जंतु में, तो भोजन बनाना ये केवल पादपों में है, इसलिए गलत, भोजन बनाना केवल पादपों में है। प्रजनन और अंकुरण, अंकुरण भी केवल पादपों में है, लेकिन वृद्धि और प्रजनन ये दोनों में है, ये जीवधारियों में भी है और ये पादपों में भी, ठीक है, इसलिए यह क्लास आज मैं समाप्त करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चाहे जिस जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश या अन्य किसी भी राज्य से अगर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने जगह शेयर करने का प्रयास करिएगा। अब मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा गला बैठ चुका है, मतलब बैठने कगार पर है, तो अब मुझसे ज़्यादा मेरी लंबी, क्योंकि लगातार 7 बजे से आपकी क्लास निःशुल्क चल रही है और मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। अन्य सभी क्लासेस की जो टाइमिंग होगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे बता दी जाएगी, बस आपसे इतना निवेदन है एक बार वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ई लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ने के बाद सीटेट पास करने से कोई रोक नहीं सकता,
जब भी परीक्षा से बाहर निकलेंगे आपको हमेशा ज्ञात होगा कि जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आया, जो मैंने व्याख्या आपको समझाई उसका उपयोग आपने पूरा पूरा परीक्षा हाल में किया। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके पहले मैंने एनसीईआरटी को भी पूरा करा दिया है और ये फेसबुक पे भी लाइव आपके साथ चल रहा है, यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। दोनों जगह वीडियो को देखिएगा, दोनों जगह शेयर करिएगा और उसके बाद अगर शिक्षक भर्ती के लिए जुड़ना हो तो आप इलेनी पर दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। शिक्षक भर्ती की परीक्षा केवीएस की भी डीएसएसबी की भी आपके लिए लाइव चलती है जिसका नोट्स आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे बात कर पाऊँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे इस बार आप सीटेट परीक्षा पार कर जाए, अभी की बार सीटेट पार। आपके माँ बाप का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, मेरा साथ और आपकी मेहनत रही तो आपको सीटेट पार होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाय बाय। चलिए बुंदेलखंड से हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे, अब मेरी हिम्मत नहीं है, बाय बाय। वीडियो को शेयर करिए, कल फिर टाइम से आप लोग लाइव आ जाइएगा, लाइव एकदम टाइम से रहा करिए। ठीक, उसमें देरी मत किया करिए, हम एक दो मिनट देर हो जाए कोई बात नहीं, आप वेट किया करिए, क्लास चलेगी। अगर टाइम शेड्यूल पड़ गया तो क्लास हर हाल में चलेगी, बस एक दो मिनट लेट हो सकता है बस। बाय बाय।